से जो सामने वाला आप बंगलो देख रहे हैं ना, ये है संजय खान सर का बंगलो। जी हाँ गाइस, आप सभी लोगों ने मेला मूवी देखा ही होगा और आप सभी लोग संजय खान सर को जान ही गए होंगे। नहीं जानते हैं तो पूरा वीडियो देखिए, आप लोग सब कुछ जान जाएंगे, इनके बायोग्राफी, इनके कार कलेक्शन, इनके नेटवर्किंग के बारे में सब कुछ आप लोग जान जाएंगे। सभी लोग को हमारे YouTube चैनल में स्वागत। जैसे आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं विवेक ज्ञान व्लॉग, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दिखाने वाले ऐसे अभिनेता का घर जिससे आप लोग रू रू वाकिफ हैं। जी हाँ गाइस, आज हम दिखाने वाले हैं फिरोज खान के भाई संजय खान का घर। जी हाँ गाइस, वो मुंबई में कहाँ रहते हैं, किस जगह रहते हैं, आज की इस वीडियो में सारा कुछ बताने वाले हैं। उनके बायोग्राफी, उनके नेटवर्किंग, उनके कार कलेक्शन, बहुत सारी बातें यहाँ पे आप लोगों को जानेंगे और बताएंगे। गाइस आप सभी लोगों को बता दें, बहुत सारे भाई लोग हैं जो यूट्यूब पे ब्लॉग्स वगैरह वीडियोस वगैरह बनाना चाहते हैं, उनको सही तरीके से लोकेशन और एड्रेस नहीं मिलता। गाइस आप सभी लोगों को बता दें, इस हमारे चैनल पे ना छोटे बड़े कोई भी सेलिब्रिटी, हीरो, एक्टर हो, सभी लोगों का घर का वीडियो आएगा और मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, गोविंदा, तरह तरह के लोगों का मैंने घर का वीडियो दिखा दिया है और क्रिकेटर लोगों का, बिजनेसमैन लोगों का, सभी लोगों का घर का वीडियो दिखा दिया हूँ। तो चलिए गाइस, आइए आज हम उन्हीं का घर दिखाने वाले हैं जो आप लोग मेला मूवी देखे होंगे। जी हाँ गाइस, और उसमें अपना वो काफ़ी जलवा भी खेरे थे, आज उन्हीं का हम घर दिखाने वाले हैं। तो गाइस अभी हैं अपने रूम पे और डायरेक्ट चलते हैं, आप लोगों को उनका घर का वीडियो दिखाते हैं। फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ संजय खान सर के बंगलो पे। देखिए जी हाँ गाइस, फिरोज खान के भाई संजय खान, देखिए उनके घर के सामने आ चुका हूँ। ये उनके घर का गेट है, देखिए थोड़ा सा गेट खुला हुआ भी है और वहाँ पे आदमी टहल रहे हैं, मतलब गार्ड साहब हैं। और यहाँ पे बाहर देखिए काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधा लगाया गया हुआ है और काफ़ी बड़ी ये 4 मंजिल की इमारत है। आप लोगों को बता दें ये बंगलो है। जी हाँ गाइस, ये कोई फ्लैट वगैरह नहीं है, पूरा बंगलो उन्हीं का है, काफ़ी बड़ा और काफ़ी आलिशान बंगलो है। जी हाँ गाइस, देखिए वाइट कलर और रेड कलर के में, मतलब पट्टियों पे रेड कलर पेंट किया गया हुआ है, नहीं तो पूरे बंगलो को वाइट कलर से पेंट किया गया हुआ है और काफ़ी खूबसूरत। और बाहर के साइड में ना पट्टियों को देखिए येलो कलर से पेंट किया गया हुआ है। गाइस आप सभी लोगों को बता दें, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधा भी लगाया गया। देखिए आम उम का पेड़ ये लगा हुआ है, मतलब बाहर भी देखिए काफ़ी पेड़ पौधे लगाए हैं, मतलब यहाँ पे ना काफ़ी हरियाली देखने को मिल रहा है। जी हाँ गाइस, प्लांट वगैरह काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है और काफ़ी बड़ा ये बंगलो है। जी हाँ गाइस, अगर इसकी बंगलो की प्राइस की बात करें तो तकरीबन ये 250 से 300 करोड़ का बंगलो होगा और काफ़ी आलिशान और काफ़ी बड़ा बंगलो है। तो गाइस अभी हम आगे भी चल के दूसरे वाले भी गेट के पास से दिखाएंगे। तो चलिए गाइस आगे की तरफ, अभी हम गेट की तरफ चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो आगे की तरफ अब बढ़ रहे हैं और यहाँ पे देखिए वाइट कलर और पूरा सी फेसिंग बंगलो है। जी हाँ गाइस, ये पूरा ना रूम में कांच वगैरह सारा कुछ लगाया गया हुआ है और काफ़ी खूबसूरत लग्जरियस बंगलो है। गाइस आप सभी लोगों को लोकेशन वगैरह सभी कुछ बताने वाला हूँ, तो चलिए आइए आप लोगों को लोकेशन बता देते हैं। तो गाइस ये मुंबई के जुहू में जहाँ पर सिल्वर अपार्टमेंट पड़ता है ना, वहीं के पास है और इस बंगलो का नाम है संजय हाउस, संजय प्लाजा। जी हाँ गाइस, आप लोग मुंबई के जुहू में आएंगे, संजय प्लाजा अगर सर्च करिए गूगल मैप में तो आप लोग बहुत आसान से आ पाएंगे। देखिए यहाँ पे दूसरे गेट के पास आ चुका हूँ और गेट पे नेम प्लेट में लिखा है संजय हाउस, संजय प्लाजा। जी हाँ गाइस, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ संजय हाउस, संजय प्लाजा और यहाँ पे येल्लो कलर के देखिए यहाँ पे पूरा पेंट किया गया हुआ और काफ़ी खूबसूरत ये बंगलो है। जी हाँ गाइस, आप सभी लोग संजय खान सर को जान ही गए होंगे, काफ़ी ज़्यादा मूवियों में काम कर चुके हैं, मतलब ज़्यादा क्या 30 मूवियों में इन्होंने काम कर चुके हैं। और आप लोगों को बता दें कि ये ना जिस मूवी में काम किए सारी मूवी सुपर से डुपर हिट गई हैं और यहीं पे ये अपने पूरे फैमिली के साथ रहते हैं और बहुत ही खूबसूरत ये बंगलो है। जी हाँ गाइस, और आप लोगों को मैंने जैसे बताया 30 मूवियों के अंदर ये काम किया, सारी मूवी सुपर से डुपर हिट गई हैं। भी लोगों को बता देना, संजय खान सर ने मूवी तो किए 30 मूवी और उसके बाद इन्होंने कई सारे सीरियल को डायरेक्ट किए। जी हाँ गाइस, आप सभी लोगों को बता दें ये बहुत ही सुपर से डुपर हिट होने वाली मूवियों में काम भी किए हैं और साथ साथ में इन्होंने सीरियल को भी डायरेक्ट किए हैं। और गाइस आप सभी लोगों को बता देना, इनकी एक बहुत ही बड़ी हादसा हुआ था जिसमें इनकी जान बच गई थी। यहाँ की आप लोगों को बता दें, एक सीरियल या मूवी का शूट चल रहा था, वहाँ पर ये स्टेट शो में गए थे, वहाँ पे आप लोगों को बता दें पूरे सेट में आग लग गई थी, वहाँ 40 आदमी पूरे
वहाँ पे थे। और आप लोगों को बता दें, तत्काल में वहाँ पूरे पास में 40 आदमी थे और इनकी बॉडी 70% जल गई थी। जी हाँ गाइस, आप लोगों को बता दें 70% जल गई थी और 30% बॉडी बची हुई थी। फिर भी माता रानी के आशीर्वाद से, आप लोगों को बता दें, इनके भगवान के आशीर्वाद से इन्होंने ये बच गए और काफ़ी अच्छे अच्छे मूवियों को डायरेक्ट किए, काफ़ी अच्छे अच्छे सीरियल को डायरेक्ट किए ये। और आप लोगों को बता दें, काफ़ी ज़्यादा सुपर से डुपर हिट होने वाली मूवियों में इन्होंने काम किए हैं और बहुत ही बड़ी बात है। तो गाइस, आप ये आप लोगों को कुछ हम मूवी का इनका फोटोस वगैरह दिखाते हैं और कुछ मूवी का सुपर से डुपर हिट होने वाली लिस्ट दिखाते हैं। पे मूवी का पोस्टर लगा है, देखिए धर्मा कर्मा, ये मूवी में इन्होंने काफ़ी अच्छा किरदार निभाए। और यहाँ पे मेला, आप सभी लोग मेला मूवी तो जरूर देखे होंगे, बार बार रिपीट करके देखे होंगे। यहाँ पे देखिए अब्दुल्ला, ये भी मूवी आप लोगों ने देखा ही होगा। और यहाँ पे एक दो फूल दो माली, आप लोगों ने ये भी मूवी जरूर देखा होगा। और यहाँ दोस्त लाख, ये भी मूवी आप लोगों ने देखा ही होगा। और यहाँ पे दोस्ती, ये सारी मूवी आप लोगों ने देखा ही होगा। आप लोगों को बता दे कि जितने भी मूवी में काम किए सारी मूवी सुपर से डुपर हिट गई हैं। आप लोगों को बता दे, आइए आज के इस वीडियो में इनके बॉडे और इनके नेटवर्किंग, इनके कार कलेक्शन के बारे में जानते हैं कि इनके पास कौन कौन सी कार है और ये एक महीने में कितना कमाते हैं, साल में कितना कमाते हैं, इनका जन्म कब हुआ है और ये कितने साल के हो चुके हैं, सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो अगर अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, क्योंकि रोजाना नए नए अपडेट वीडियो लेकर आते रहते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं काफी खूबसूरत इनका बंगलो, प्यारा बंगलो, जो कि लमसम 300 करोड़ का ये बंगलो होगा। जी हाँ गाइस, आप सभी लोगों को बता दे कि ये कोई फ्लैट और कोई उसमें नहीं रहते, और ये काफ़ी बड़ा बंगलो है। और इसी के बगल में थोड़े दूर आगे जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे सेलिब्रिटी लोगों का, हीरो लोगों का, हीरोइन लोगों का घर देखने को मिलेगा। आगे हम अपडेट में वीडियो में दे रहे हैं। तो चलिए गाइस, आइए इनके कार कलेक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो इनके पास ओडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू जैसी लग्जरियस कार भी हैं। जी हाँ गाइस, अगर इनकी मंथली इनकम की बात करें तो 2 करोड़ रुपया मंथली इनका इनकम है। अगर सालाना की बात करें तो 30 से 35 या 40 करोड़ के बीच में इनका अर्निंग होता है। टोटल इनकी नेटवर्किंग की बात करें तो 500 करोड़ प्लस का है। जी हाँ गाइस, और काफ़ी लग्जरियस और काफ़ी बड़े बंगलों में रहते हैं। आइए इनके बर्थडे के बारे में जानते हैं, इनका जन्म कब हुआ है और ये कितने साल के हो चुके हैं। खान सर का बर्थडे 3 जनवरी को है। जी हाँ गाइस, आप सभी लोग अगर इनके फैन होंगे तो बर्थडे जरूर विश करिएगा। आप सभी लोगों को बता दें, 3 जनवरी 1941 में इनका जन्म हुआ था बेंगलोर में। जी हाँ गाइस, ये पूरे 82 साल के कंप्लीट हो चुके हैं और आज भी बहुत ही हट्टे खाटे हैं, मतलब तगड़े में हैं, अपना चलते फिरते में नज़र आते हैं। जी हाँ गाइस, आप सभी लोगों को बता दें कि ये 82 साल के कंप्लीट हो चुके हैं, आज भी काफ़ी तंदुरुस्त हैं। गाइस, ये वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप लोग किसका घर देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। गाइस, आप सभी लोग संजय खान सर का कौन सा मूवी ज्यादा देखना पसंद करते हैं ये भी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई होगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।